सब अपने लिए खेलते हैं, तो मैं दूसरों के लिए खेल रहे तब भी यहाँ तक पहुँच गया, तो आई थिंक अगर अपने लिए खेलता तो सोचो क्या कमाल कर पाता। लेकिन ऐसी चीज़ जो सीखी जी, जो एक ऐसी चीज़ जो पाई, ऐसी चीज़ जो पाई बिग बॉस के अंदर, जो कोई बिग बॉस के अंदर मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा खोया है कि जिसका मुझे दुख है, बट हाँ मैंने अपने एंगर इश्यूज को खो दिया है सेंटर, एंड मेरा कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस घर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लोगों के साथ कैसे, जब तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे या तुम किसी के साथ कैसा बिहेव करो, रिएक्शन कैसे निकलने चाहिए, कैसे सामने वाले के निकलते हैं, उसको मैंने सामने महसूस किया। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि जब कोई ऐसी हरकत करता है तो हम वहाँ से भाग जाते हैं। सो इट वॉज अमेजिंग जर्नी और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ से। जैस्मिन के साथ रिश्ते को एक नया आयाम मिला, अब आगे फ्यूचर क्या? एक एपिसोड में आप कहते नजर आए कि रुबीना के सजेशन को आप लेंगे कि पहले यू नो डेटिंग, फिर एंगेजमेंट एंड देन वेडिंग। एग्जैक्टली क्या है ना, मैंने काफ़ी सालों से मैं डेटिंग इन सब में रहता नहीं था, तो आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट, सो लेट्स सी पहले वो पहले एक्सपीरियंस कर लूं एक बार। देन आई गो अली, आपको लगता है कि आप अगर 30 दिन बाद ना जाते, पहले दिन से जाते और जैस्मिन के लिए नहीं खुद के लिए जाते तो फर्क पड़ता? पहले तो इस बार का मेरा कोई प्लान नहीं था, जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बट जब प्लान बन गया तो मैं जब गुस्सा अंदर मेरा लिटरली जिस दिन मैं गुस्सा हूँ उससे दो दिन पहले ही मेरा फाइनल हुआ था, तभी मुझे अंदर जाके क्वारंटीन करना पड़ा। एंड मेरा कोई प्लान नहीं था, जो लोग पहले से जाते हैं बहुत प्लान से रिस्पॉन्स मिला मुझे, जो यहाँ आसपास थे, जो भाई ने बोला, बाकी आसपास लोगों ने बोला कि बहुत कम लोग अंदर क्लीन जाते हैं और बाहर क्लीन वापस आते हैं, तो उस चीज़ में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे बाहर आके मुझे लोगों को जवाब देना पड़े या कोई, मैं मेरा दिल साफ रहा है अंदर एंड बाहर भी वैसा ही है। एंड आई वांट रिस्पेक्ट, एंड मेरी मॉम से मेरी रिसेंटली बात हुई थी, वो बोल रही हैं कि मैंने अपने गुस्से बहुत कंट्रोल रखे, उनकी नज़र में मैं जीत गया हूँ, सो आई थिंक वो अपने आप में ही जीत गए। बट शौक था, जब आपका नाम टॉप 3 में नहीं था तो आप शौक हुए? जी शौक नहीं था, क्योंकि मैं ना जब मैं टॉप 5 में घुस गया था तो मैं तब से ही प्रिपेयर था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर बारी ऐसा होता है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, एंड जितना माइंड को प्रिपेयर रखेंगे उतना ईजी हो जाता है, क्योंकि बाद में ना दुख होता है, तो मैंने अपने को कहीं ना कहीं प्रिपेयर रखा था 5, 4, 3, 2, 1 की। अली, ये क्या वजह थी कि आप अपने लिए ना खेलकर आप दूसरों के लिए कि वो खेलते नज़र आए? वजह खास कुछ नहीं थी, मैं अपने लिए भी खेल रहा था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो सब अपने लिए खेलते हैं, तो मैं दूसरों के लिए खेल रहे तब भी यहाँ तक पहुँच गया, तो आई थिंक अगर अपने लिए खेलता तो सोचो क्या कमाल करता। लेकिन ऐसी चीज़ जो सीखी जी, जो एक ऐसी बिग बॉस के अंदर मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा खोया है कि जिसका मुझे दुख है, बट हाँ मैंने अपने एंगर इश्यूज को खो दिया है सेंटर, एंड मेरा कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस घर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लोग